देश महादेव, हाँ देश तो हमने बनवाए ना, मतलब ठीक है। चलो अब देखो, कल आपने एक सिद्धांत किया था ना, इसको महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कल वाले लेक्चर में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किया था। महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब एक टाइम पीरियड जिसको नाम दिया कार्बोनिफेरस, और वहाँ पे पेंजिया का टूटना स्टार्ट हुआ, उससे कई सारे कॉन्टिनेंट बने। ये वाली छोरी कल आई थी। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन का ये जो सिद्धांत था, टेलर और कौन थे इसमें, वैगनर, मेनली जो है ये थ्योरी है किसका, तो वैगनर का। तो टेलर और वैगनर की ये जो थ्योरी थी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी व्याख्या नहीं कर पाई, जैसे इनके टूटने के कारण में उत्प्लावन बल बायंसी फोर्स को यूज़ कर देना, और पेंजिया के बाद जो आपके लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड की प्लेटें थी उनके टूटने का कारण। तो कुछ एक साल तक तो ठीक चला महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, लेकिन इसके कुछ सालों के बाद 1967 के आसपास में एक और सिद्धांत दुनिया के सामने आया, जिसने महाद्वीपों के निर्माण की थ्योरी को थोड़ा और सुलझा दिया। हालांकि उस सिद्धांत में भी पूरी तरीके से इस पृथ्वी के अंदर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इसकी तुलना में ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चलता है। ठीक है, और इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, तो आज ये सिद्धांत करेंगे, आप टॉपिक डालें प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपों के निर्माण के लिए ये एक जो थ्योरी और चलती है मार्केट में, इसको प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी कहते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था, यह सिद्धांत हैरी हैस ने दिया था, हैरी हैस के द्वारा ये सिद्धांत प्रदर्शित किया गया। महाद्वीप के निर्माण के लिए ये एक और सिद्धांत दिया गया है हैरी हैस के द्वारा। ठीक है, चलो अच्छा, ये सिद्धांत हैरी हैस के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में किया गया। लास्ट टाइम आपके आयोग वालों ने प्रश्न भी पूछा कि सिद्धांत तो ये हैरी हैस ने दिया, लेकिन इस सिद्धांत की व्याख्या किसने करी थी, तो इसकी व्याख्या करने वाले लोगों में बहुत सारे लोग हैं। मॉर्गन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मॉर्गन के अलावा पेकर्स, मैकेंजी, ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या करी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्गन, जिसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत की व्याख्या करी थी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत था, प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत था, इसकी व्याख्या मॉर्गन और मैकेंजी के द्वारा 1967 में करी गई। तो ये पिछली बार आपको प्रश्न भी पूछा गया, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के साल जो साथ जो साल जुड़ा हुआ है ना, वो 1967 है। 1967 ईस्वी के अंदर पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी, ये कुछ लोग थे जिन्होंने व्याख्या करी थी प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की। इस सिद्धांत में पर्टिकुलर कोई कहानी नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। यहाँ पर पृथ्वी के महाद्वीपों के निर्माण के लिए जिस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल माना गया है वो चीज़ है प्लेट। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो प्लेट समझनी है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं थोड़ा सा जितना मेरे को जरूरत है उतना खींच लेते हैं बाहर। अगर हम इस पृथ्वी के अंदर जाएं, तो इस पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की ये जो आंतरिक संरचना है, फिर आप जानते होंगे इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कई सारी लेयर्स पाई जाती है, अलग अलग लेयर्स बनी हुई है। किसी लेयर्स को आप भू परपटी कह देते हैं, किसी को हम मेंटल कहते हैं, किसी को क्रोड कहते हैं। ये चीज़ें होती क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, वो बात की कहानी। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाने पर जो सबसे पहली लेयर बनी हुई है, सबसे ऊपर ये जो लेयर बनी हुई है जहाँ पर हम हैं अभी, यहाँ से अगर खुदाई करना स्टार्ट करें, अंदर की तरफ चले तो इस पूरे पोर्शन को भू परपटी कहते हैं। जानते हैं आप भू परपटी कहते हैं, ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको भू परपटी कहा जाता है। ठीक है, इस भू परपटी पर जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, जब हम पृथ्वी के तल पर हैं तो पृथ्वी के तल से चलना स्टार्ट करेंगे भू परपटी पर, तो मान लेते हैं जहाँ पर हम खड़े हो रखे हैं वो 0 किलोमीटर है। तो इस 0 किलोमीटर से अंदर चलते 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 100 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग भू परपटी का डिस्टेंस माना जाता है, सरल भाषा।
ठीक है। अब यहां पर ही आपको दो चीजें समझनी है, ये जो भूपरपटी है यानी जिस जमीन पर आप खड़े हैं उस जमीन से जब आप खुदाई करना स्टार्ट करेंगे तो खुदाई करते समय सबसे पहले जब हम इस जमीन को खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिट्टी, बहुत कोमल सी मिट्टी होती है। इस भूपरपटी के सबसे ऊपर लगभग लगभग ये मान के चलो आप कि कुछ 100 मीटर तक की डिस्टेंस तक तो हमको मिट्टी ही मिलती है। तो जब हम खुदाई करेंगे तो सबसे पहले हमको मिट्टी मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा हम खुदाई करना स्टार्ट करें और अंदर जाना स्टार्ट करें तो पृथ्वी के धरातल पर जैसे जैसे हम 500 मीटर से और अंदर जाना स्टार्ट करेंगे तो अब ये मिट्टी गायब हो जाएगी। अब हमें वहाँ चट्टाने मिलेंगी, दृढ़ चट्टाने मिलेंगी। तो पृथ्वी के धरातल पर इस 0 से लेकर के और 30 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस तक अगर आप जाएंगे इस भूपरपटी के अंदर तो इस भूपरपटी पर पृथ्वी के धरातल से अंदर जाते 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 ये जो ऊपर वाला एक सरफेस मिलता है ना, इस ऊपर वाले सरफेस को हम स्थल मंडल कहते हैं। इसको स्थल मंडल कहते हैं। इतनी बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से सेटअप कर लो कि जब कभी भी पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर जाने पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, इतनी बात पक्का है। और जब कभी भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा ठोस चीजें किसमें परिवर्तित हो जाती है, ये नियम है विज्ञान का। जब कभी भी आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर हर चीज द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ऑब्वियस है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर चीज लिक्विड बनेगी। लेकिन फिर कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे, जैसे पृथ्वी का जो सबसे इंटरनल पार्ट है, ये जो इसका क्रोड है, ये लिक्विड अवस्था में नहीं होता है, ये तो सॉलिड स्टेट में होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम पृथ्वी पर अंदर जाते हैं ना तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ साथ में क्या भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता रहेगा। ताप बढ़ेगा तो ताप प्रत्येक ठोस वस्तु को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। और प्रेशर जब किसी चीज का बढ़ाएंगे, दाब जब किसी चीज का बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ने पर हमेशा द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से, मान लो यहाँ पर पानी ही पानी है, उस पानी का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाने का मतलब उसमें चारों तरफ से प्रेशर लगाओ, तो पानी को कंप्रेस करोगे करोगे करोगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वो बर्फ बन जाएगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अंदर जाकर के तापमान बढ़ने के कारण ठोस हमेशा द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव हमेशा ठोस में परिवर्तित होता है प्रेशर बढ़ने की वजह से, क्योंकि अंदर जाने पर दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के अंदर में हमें टेम्परेचर और प्रेशर का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है, मिला जुला रूप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो टेम्परेचर हावी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपकी सॉलिड स्टेट होती है। इससे थोड़ा सा बाहर अगर आप आएंगे, आउटर क्रोड में आएंगे, तो वहाँ फिर लिक्विड स्टेट होती है। लेकिन फिलहाल पृथ्वी की जो ये भूपरपटी है, इस भूपरपटी से आप अंदर जाएंगे तो पृथ्वी की सरफेस से अंदर जा करके लगभग लगभग 100 किलोमीटर तक का ये जो एरिया होता है इसको आप क्या कहते हैं, इसको स्थल मंडल कहते हैं। इस स्थल मंडल में पृथ्वी बहुत ज़्यादा रिज्ड होती है, दृढ़ होती है। यहाँ पर चट्टाने पाई जाती है, बहुत मजबूत चट्टाने, पत्थर समझो एक हिसाब से, बड़ी बड़ी चट्टाने पृथ्वी के अंदर जाकर के। और जैसे ही इस स्थल मंडल से हम नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो दृढ़ चट्टाने होती है, ये दृढ़ चट्टाने अब पिघलना स्टार्ट कर लेती है, लेकिन पूरी तरीके से पिघलती नहीं है। पूरी तरीके से पिघलेंगी कहाँ, नीचे जा करके, मेंटल से नीचे वाले एरिया में पूरी तरीके से पिघलेंगे। इस स्टेज में ये स्थल मंडल से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर चट्टाने प्लास्टिक स्टेट में होती है। प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये है, जैसा आपका तारकोल होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म करें जब आप तारकोल को, जब आप तारकोल को हल्का फुल्का गर्म करें तो वो जो विस्कोसिटी वाला मटेरियल होता है ना तारकोल, बिल्कुल पानी नहीं। अगर आप पूरी तरीके से पानी देखना चाहते हैं तो आपको मेंटल के इंटरनल वाले एरिया में जाना पड़ेगा, माने क्रोड जो आउटर क्रोड है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, वहां पूरा पानी 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 मिलेगा आपको, ठीक है, उसको मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं। लेकिन ये स्थल मंडल के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर चट्टाने लगभग पिघलने की अवस्था में होती है। कैसे पिघलने की अवस्था में, जैसे आप आटा है, आटे को गूंदो, तो आटे को गूंदने के बाद जो गूंथा हुआ आटा होगा ना, वो जो स्टेज होती है उस स्टेज को कहते हैं प्लास्टिक स्टेज। एक तो पूरी तरीके से पानी पानी है, आटे में पानी मिला दो, घोल बना दो, आटा और पानी का जब घोल बनाओगे तो वो बन गया पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट, और आटे को गूंथ दो उसके बाद जो अवस्था बनेगी उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। तो इस स्थल मंडल के जस्ट नीचे वो प्लास्टिक स्टेट होती है और उस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। तो पृथ्वी के धरातल पर जब हम अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो अंदर जाकर के सबसे पहले हमें स्थल मंडल मिलता है।
ये जो स्थल मंडल होता है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ये आगे अगले चैप्टर में अच्छे से कवर कर लेंगे, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और इस स्थल मंडल से नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दुर्बलता मंडल होता है, तो ये जो दुर्बलता मंडल होता है इसको एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, एस्टेनोस्फीयर कहते हैं। एस्टेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल और लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। दृढ़ भाग कौन सा है? दृढ़ भाग, दृढ़ कौन सा है? स्थल मंडल, वो दृढ़ है जैसी जमीन है, कठोर भाग है। और प्लास्टिक स्टेट में कौन सा है? तो प्लास्टिक स्टेट में एस्टेनोस्फीयर। तुम जिस जगह पर बैठे हो, तुम्हारे नीचे जो ये लगा रखा है टेबल, ये दृढ़ है, ये क्या स्थल मंडल का काम कर रहा है या एस्टेनोस्फीयर का काम कर रहा है? दृढ़ मंडल ना, ये क्या है अभी? स्थल मंडल। इसलिए आप जिस जहां पर बैठे वहीं पर है, जब से आए तब से वहीं बैठे ना, ऊपर नीचे गए कहीं नहीं गए। अगर मैं कल तुम्हारे लिए आटे का टेबल बना दूं, गूंथे हुए आटे का टेबल बना दूं, तो जब तुम उस पर बैठोगे तो ऑब्वियस है मूवमेंट करोगे। ये स्थल मंडल किसके ऊपर है? दुर्बलता मंडल के ऊपर। तो ये दुर्बलता मंडल यानी ये जो एस्टेनोस्फीयर होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक स्टेट में, तो तुम ये कमरा आटे का बना दो पूरी तरीके से, तो अगर आटे का कमरा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि कदम रखते ही धड़ाम टूट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। हम जाएंगे नीचे बुद्धि भाई की दुकान तक पहुंचेंगे हम, लेकिन एक झटके में नहीं पहुंचेंगे ना। अगर इसको आटे का बना दे तो ऐसा थोड़ी है कि हमने कदम रखा और हम सीधा अंदर घुस गए, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 करके वो आटा नीचे 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 जाएगा और नीचे जाते जाते हम भी उसके अकॉर्डिंग मोशन करते रहेंगे। तो क्योंकि ये स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर होता है, और दुर्बलता मंडल जो है ये एक प्रकार का प्लास्टिक स्टेट होता है, इसलिए ये स्थल मंडल एक प्रकार से इस दुर्बलता मंडल पर तैरता हुआ रहता है ना। इसके ऊपर जहां दुर्बलता मंडल जाएगा वहीं पर स्थल मंडल को जाना पड़ेगा। तो इस दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच वाला भाग देखो, जहां पर स्थल मंडल है और इसके ऊपर ये जो दुर्बलता मंडल है, इन दोनों के बीच में ये जो एक अनियमित आकार की दृढ़ सी संरचना होती है, इसको कहा जाता है प्लेट। इसको क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो प्लेट का मतलब क्या हो गया? तो प्लेट का सीधा और सरल भाषा में मतलब ये हुआ कि जब आप पृथ्वी के धरातल से अंदर जाएंगे, तो पृथ्वी के धरातल से अंदर जाने पर, मैं यहां पर बगल में बना देता हूं, जब आप पृथ्वी के धरातल से अंदर जाएंगे तो पृथ्वी के धरातल से अंदर जाने पर उसकी सबसे पहली जो लेयर आपको मिलती है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और स्थल मंडल के अगर आप नीचे जाएंगे 100 किलोमीटर के इंटरनल एरिया में जाएंगे, अपर मेंटल में जाएंगे, तो यहां पर जो भी चट्टानें हैं, जो भी पृथ्वी की संरचना है, वो लगभग पिघलती नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन पिघलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि वो जो है एक प्रकार से प्लास्टिक स्टेट में होती है। तो इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो इस दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच वाला ये जो भाग होता है, यहां पर जो दृढ़ अनियमित आकार की जो कुछ संरचनाएं पाई जाती है या फिर जो सरफेस पाया जाता है, इस सरफेस को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्योंकि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर होती है, तो जहां को भी दुर्बलता मंडल मोशन करता है, ये प्लेटें भी उसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाती है। अगर ये दुर्बलता मंडल उधर को चलेगा तो प्लेट भी उस तरफ को चलने लग जाएगा, दुर्बलता मंडल इस तरफ को आएगा तो प्लेटें भी इस तरफ को गति करने लग जाती है। और इसी को आधार बना करके सबसे पहली बार एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, दिया हैरी हैस ने है, और उस सिद्धांत की व्याख्या किसने करी? मॉर्गन ने करी है, मैकेंजी ने करी है, पार्कर ने करी है, ये कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या करी है 1967। सबसे पहली बात यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्लेटें। प्लेट क्या होती है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट इसके पास लिखना, स्थल मंडल में स्थित, स्थल मंडल में। अच्छा, प्लेटें होती कहां पर है? दुर्बलता मंडल में या स्थल मंडल में? स्थल मंडल में। स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच वाले मंडल कोई है ही नहीं, या तो स्थल मंडल है या दुर्बलता मंडल है, इन दोनों के बीच में है, पर होती कहां पर है, बनाई कहां पे मैंने रेड वाली? स्थल मंडल। तो आप क्या पॉइंट लिखोगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्थल मंडल में स्थित, स्थल मंडल में स्थित, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्थल मंडल में स्थित अनियमित आकार की, अनियमित आकार की ऐसी दृढ़ संरचनाएं, ऐसी दृढ़ संरचनाएं, ऐसी दृढ़ संरचनाएं, ऐसी दृढ़, ऐसी रिज्ड स्ट्रक्चर, ऐसी दृढ़ संरचनाएं जो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही होती है, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही होती है या स्थित होती है, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही होती है या दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित होती है, इन्हें प्लेट कहा जाता है, इन्हें प्लेट कहा जाता है, इन्हें प्लेट कहा जाता है, इनको हम प्लेट कहते हैं।
अब हैरी भैया ने ये कहा कि ये प्लेटें कई प्रकार की है। सबसे पहले हैरी भैया ने ये कहा कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, और इस नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इसके इधर साइड यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर है, यानी पानी है। तो इस पानी के अगर हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी तो प्लेट होगी ना, प्लेट का मतलब वहाँ भी तो स्थलमंडल होगा भाई। जैसी जमीन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है करणपुर में, ऐसी जमीन तो समुद्र के अंदर भी होती होगी, यानी समुद्र के अंदर भी कोई प्लेट है और महाद्वीपों पर भी कोई प्लेट है। तो भैया हैरी हैस भैया कहते हैं कि ये जो प्लेटें हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहली प्लेट को हम नाम दे देते महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। आप समझे महाद्वीपीय प्लेट किसको कहते हैं? जैसे ये जो है ये क्या है, एक महाद्वीपीय प्लेट, क्योंकि इस पर एक महाद्वीप बना हुआ है। ये क्या होगी, महाद्वीपीय प्लेट, क्योंकि इस पर महाद्वीप बना हुआ है। और ये प्रशांत महासागर के नीचे जो जमीन है, प्लेट का मतलब क्या है, जमीन। प्लेट का सरल भाषा में मतलब क्या है, जमीन। इस धरती के अंदर जो जमीन है उसको बोलते हैं प्लेट। तो अगर महाद्वीप की जो जमीन है उसको बोल दिया हमने महाद्वीपीय प्लेट, और महासागरों के नीचे जो प्लेट होगी उसको क्या बोलेंगे, महासागरीय प्लेट। तो दूसरे प्रकार की जो प्लेट होती है उसे कहते हैं महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट में किस किस प्लेट का तल नीचे होता है, कौन सी प्लेट होगी जिसका तल नीचे होता है। परसों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि मैक्सिमम डेंसिटी है पृथ्वी की, पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब मैंने कहा था कि पृथ्वी को अगर पानी में डाल दे तो डूब जाएगी, और शनि का घनत्व तो सबसे कम है, उसको पानी में डालेंगे तो तैरने लग जाएगा। यानी जिसका घनत्व तो जितना ज़्यादा होता है वो उतने नीचे तल पर जाती है। यहाँ कौन नीचे तल पर होती है, अगर मैं दो प्लेटें बनाऊँ, एक ऐसी, तो महासागरीय कौन सी होगी। ऐसा ही तो है ना, महासागरीय प्लेटें, महासागरों की जमीन नीचे होती कि महाद्वीप की, महासागर की ना, वो तो फाल खानी पड़ती हो तो अंदर जाएंगे तब मिलेगा जमीन। तो महासागरीय प्लेटें इनका तल थोड़ा नीचे होता है, महाद्वीपीय प्लेटों का तल थोड़ा सा ऊपर होता है। तो क्योंकि महासागरीय प्लेटों का तल थोड़ा सा नीचे होता है, इसलिए आपको याद रखें कि महासागरीय प्लेटों का घनत्व हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका तल नीचे है ना। तो जिसका तल नीचे है यानी वो थोड़ा सा नीचे है, झुकी हुई है, तो घनत्व ज़्यादा किसका होता है, डेंसिटी ज़्यादा किसकी होती है, तो महासागरीय प्लेटों का घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है, कंपेयर अगर आप कंपेयर करें महासागरीय से। ऐसा नहीं है कि महासागरीय प्लेटों का घनत्व कम होता है, लेकिन महासागर की तुलना में महाद्वीपों की प्लेटों का घनत्व कम होता है। हमारी तुलना में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा घनत्व हमेशा किस में होता है, महासागरीय प्लेट में होता है। अब ये हैरी हैस के बाद जब मॉर्गन भैया आए थे तो मॉर्गन भैया ने तो कुछ और तरीके से भी महाद्वीपीय प्लेटों को डिवाइड किया। उन्होंने सीधा नाम लिखा बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट, उन्होंने ऐसा भी नाम दिया बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट। तो ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना बने हुए, इनको इन्होंने बड़ी प्लेट कह दिया। हैरी हैस के प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में बड़ी प्लेटों की संख्या कुछ 6 कहेंगे, कुछ 7 कहेंगे, कुछ 8 कहेंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो 7 हमारी पृथ्वी पर बड़ी प्लेट है। जैसे एक बड़ी प्लेट ये है, इसका नाम क्या है, नॉर्थ अमेरिका है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट है, इसको क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट। जैसे हमारा यूरोप और एशिया एक साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो प्लेट होती है इसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट। इधर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। यहाँ पर अफ्रीका है बीच में तो इसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, इसके नीचे वाली प्लेट भी बड़ी है तो इसको प्रशांत प्लेट कहते हैं, परिप्रशांत पेटी कहते हैं, परिप्रशांत प्लेट कहते हैं। तो जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको कहते हैं बड़ी प्लेटें, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको कहते हैं छोटी प्लेटें। इस सिद्धांत में बड़ी छोटी का कोई ज़्यादा मतलब आएगा नहीं। अगर आपको प्रश्न आते हैं बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है तो आप याद रखें 7, और छोटी प्लेटों की संख्या 20 बताई जाती है, लगभग 20। लेकिन अलग अलग थ्योरीज में कोई लोग होंगे जो 20 की जगह इनको 30 कह देंगे, और फिर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने सूक्ष्म प्लेटें भी बनाई है छोटी प्लेटों के अलावा। छोटे छोटे प्लेटों का मतलब क्या है, जैसे मेडागास्कर की प्लेट है वो छोटी प्लेट हो गई। इंडियन प्लेट बड़ी है या छोटी, तो वो बड़ी है, इंडियन प्लेट एक बड़े प्लेट का टुकड़ा है। सरल भाषा में देखें प्लेट का मतलब क्या हो गया, तो स्थल मंडल पर स्थित एक दृढ़ अनियमित संरचना वाला जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं प्लेट। प्लेट का मतलब स्थल मंडल के ऊपर जो एक संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम लोग नाम देते हैं प्लेट। और कहाँ पर स्थित होती है प्लेट, लिथोस्फीयर पे, और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल, और वहाँ पर क्योंकि प्लास्टिक स्टेट है तो ये प्लेटें आपस में गति करती रहती है। क्यों गति करती है, क्योंकि नीचे वाला गुथा हुआ आटा है ना, तो गुथा हुआ आटा मोशन करते रहेगा ना, एक जगह रिजिड नहीं होगा, लोहे की तरह नहीं है कि जहाँ पर था वहीं पर रहेगा। आटा अगर गूंथ दें हम लोग और उसके ऊपर कोई सामान रख दें तो वो सामान वहीं पर थोड़ी रहेगा,
और कभी आटा इधर की तरफ चल जाएगा, कभी इधर को चल जाएगा, तो ऐसे ही है क्योंकि आपका जो दुर्बलता मंडल है वो प्लास्टिक स्टेट में, तो कहीं को भी चलते रहता है, तो क्योंकि प्लेटें उसके ऊपर है तो जहां दुर्बलता मंडल चलेगा वहीं को आपकी ये प्लेटें भी गति करती रहती है। लेकिन प्लेटें हैं कितने प्रकार की, तो फिर आप याद रखें प्लेटें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक को बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट, एक को कहते हैं महासागर। मोटा मोटा देखें पावरफुल कौन है, घनत्व तो ज्यादा किसका है, इतनी बातें याद रखेंगे, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, यहां से फिर पूरा सिद्धांत आप समझ जाएंगे। तो ये प्लेटें गति करती है, इस बात को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटें गति क्यों करती है, उसके दो कारण होते हैं, और पहला कारण को हम लोग बोलते हैं संवनीय धारा, कन्वेंशनल करंट। ये होती क्या है, इसके बाद उसी लेक्चर पर आ रहे हो, संवनीय धाराएं होती क्या है, कन्वेंशनल करंट्स होते क्या है जिनकी वजह से प्लेटें गति करते, अभी एकदम से गोच-वोच नहीं करते, इसके बाद हम आंतरिक संरचना पे आएंगे तो वहां इस पॉइंट को समझ लो। फिलहाल मोटा मोटा ये मान लो कि भैया प्लेटें जो है वो गति करती है, किसकी वजह से गति करती है, आप मान लो दुर्बलता मंडल की वजह से ये प्लेटें गति करती है, ठीक है। तो अब ये जो प्लेट होती है, इन प्लेटों की जो गति है वो कितने प्रकार की है, पहली बात आपको याद रखनी है। तो पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी पर स्थित ये जो प्लेटें हैं, इनके गति करने के तीन तरीके बताए गए कि ये तीन प्रकार से गति करते हैं। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, देखो सबसे तीसरा जो प्रकार है, तीसरा वाला जो प्रकार है जो लास्ट में है, जो बहुत ज्यादा काम की नहीं है, इसको बोलते हैं प्लेटों की समांतर गति, पैरेलल मोशन, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो गति है इसको मैंने नाम दे दिया समांतर गति। दूसरे प्रकार की या पहले प्रकार की जो गति है इसको नाम देते अभिसारी, कन्वर्जेंट मोशन, प्लेटें आपस में गति करती है। इनके गति करने के तीन तरीके हैं, पहले तरीके को नाम दे देते अभिसारी गति, तीसरे तरीके को नाम दे दिया समांतर गति। इन दोनों के बीच में एक गति फंसी हुई है, उसको कहते हैं अपसारी, डाइवर्जेंट मोशन। प्लेटों की अभिसारी गति, प्लेटों की अपसारी गति और प्लेटों की समांतर गति। जनरल कंडीशन में प्लेटें जो है वो तीन प्रकार से गति कर सकती है और तीन प्रकार से ही गति करती है, ठीक है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित जो एक दृढ़ संरचना बनी हुई है, उस दृढ़ संरचना को हम नाम देते हैं प्लेट। प्लेटें क्योंकि दुर्बलता मंडल में स्थित है और दुर्बलता मंडल में कन्वेंशनल करंट स्टार्ट होते हैं, कुछ होते हैं, माने कुछ चीज है, माने है ना, जो इनको घुमा देता है, लेफ्ट राइट चलाते रहता है, तो उनकी वजह से प्लेटें गति करती है। प्लेटों के गति करने के कितने तरीके, तीन, एक कन्वर्जेंट मोशन कर सकती है, एक डाइवर्जेंट कर सकती है और एक पैरेलल कर सकती है। अब अभिसारी गति का मतलब क्या होता है, अभिसारी गति का मतलब होता है जब दो प्लेटें, देखो ये मान लेते हैं ए प्लेट है और ये मान लेते हैं बी प्लेट है, ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आ रही, ऐसे आ रही, तब इस मोशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिसारी गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो इस प्रकार से जो गति होती है उस गति को क्या कहते हैं, उसको अभिसारी गति कहते हैं। इसके ऑपोजिट अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, इसको अपसारी गति कहते हैं, अपसारी। इसको अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी जो गति होती है इसको समांतर कहते हैं। इसमें दो प्लेटें मान लेते हैं, देखो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो ये कैसे भी गति कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है, तो ये समांतर हो गई। हो सकता है दोनों एक ही साइड जा रही हो, सभी तो हो सकता है। ये प्लेट ए है, इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये प्लेट बी है, इसका भी मोशन इसकी तरफ हो रहा है, लेकिन दोनों सटी हुई होनी चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उधर चल रही इधर चल रही, उससे क्या फर्क पड़ेगा ना, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, उससे नहीं, सापेक्ष गति होनी जरूरी है, दोनों प्लेटों का आपस में संबंध होना जरूरी है। देखो ऐसी हो जाए तो वेरी गुड, ऐसे गति भी कर सकती है, ऊपर नीचे एक साथ भी चल सकती है, थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकती है, ऐसे झुकी हो सकती है, ये आगे जा रही है ये पीछे जा रही है, तो एक दूसरे के ऊपर सट करके अगर गति करते हैं तो उसको कहते हैं समांतर गति, ठीक है। प्लेटें स्थल मंडल में स्थित अनियमित आकार की दृढ़ संरचनाएं जो कि दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही होती है, इन्हें प्लेटें कहा जाता है। ये प्लेटें गति करती हैं, गति करने का कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना में समझेंगे, और कितने प्रकार की गति कर लेती हैं, तीन प्रकार से ये गति कर लेती है। पहले प्रकार की गति पे आते हैं, इसका नाम है अभिसारी, कन्वर्जेंट मोशन, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये दो पॉइंट चलो इसी में लिख देते हैं, दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आ रही हो। अब देखो भैया ध्यान से समझना, ये दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इसमें कितनी कंडीशन बन सकती है, इसमें तीन कंडीशन बन सकती है, तीन कंडीशन बन सकती है। प्लेटें दो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कंडीशन नंबर एक, जब दो प्लेटें जो एक दूसरे की तरफ आ रही है इनमें से
एक प्लेट महाद्वीपीय हो सकता है और एक प्लेट महासागरीय हो। पहली कंडीशन यही बन सकती है ना, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी गति। लेकिन कंडीशन नंबर एक ये हो सकती है कि महासागरीय और महाद्वीपीय ये है दो प्लेटें जो एक दूसरे की तरफ आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन, दोनों प्लेटें महासागरीय। चौथी तो नहीं बनानी, उसको इधर कर दो, ना हो गया खत्म कहानी ना। एक जब दोनों महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हो, एक जब दोनों महासागरीय प्लेटें दूसरे एक दूसरे की तरफ आ रही हो, और पहली कंडीशन जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे को आकर के मिल रही है ना। अब चेंज नहीं करना कि इसको इधर लिख दो, इसको उधर लिख, बात तो एक ही है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की है और वो दोनों सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जब अभिसारी गति होती है, तो अभिसारी गति में जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा? सबसे पहला रिजल्ट देखो, जब एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट की तरफ अग्रसर होती है, ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे को मिलेंगी तो क्या होगा? ये महासागरीय है और ये महाद्वीपीय। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करेंगी, तो ये बताओ क्या इन दोनों प्लेटों का तल समान होगा? क्या एक तल पर होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि महासागरीय प्लेटों की तल तो वैसे ही नीचे होता है। इतनी बात क्लियर है ना? महासागरों का तल महाद्वीपों के तल के बराबर थोड़ी होता है। महासागरों का तल तो हमेशा महाद्वीपों के तल से नीचे होता है। पहले आपको पानी क्रॉस करना पड़ेगा, 100 मीटर, 200 मीटर, हो सकता है 1 किलोमीटर। महासागरों में तो कितना गहरा पानी होगा, तो उस पानी के बाद आप जाएंगे। यानी अगर आप जमीन को और महासागर के तल को देखेंगे, तो ये मान लो जमीन है, तो महासागर का तल तो ये होगा ना। हालांकि दिखने में तो आपको बराबर महासागर दिखेगा, तो ये महाद्वीपीय प्लेट का तल है और ये महासागरीय प्लेट का तल है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि दोनों की दोनों प्लेटों का तल समान नहीं होता है, तल में असमानता होती है। तो जैसे होती है मैं वैसे ही बना देता हूँ। जब एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे को टकरा रही है, तो बहुत ऑब्वियस सा चांस है, ये मान लेते हैं हम महासागरीय प्लेट है, इसको मान लेते हैं ये महासागरीय प्लेट है, तो इसका तल नीचे होगा ना। और इसके साथ में जो महाद्वीपीय प्लेट आ रही है, इस महाद्वीपीय प्लेट का तल ऊपर होगा। इतनी बात से सहमत हो, है ना? क्योंकि महासागरीय प्लेट है, उसका तल वैसे ही नीचे होता है। तो ये आपकी यहाँ पर मान लेते हैं महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा, प्लेटों में एक नियम याद कर लेना अच्छे से, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व का गुण ही यह है कि वो नीचे जाएगा, क्योंकि महासागरीय प्लेटों का घनत्व ज्यादा होता है। तो महासागरीय प्लेटों का घनत्व ज्यादा होने के कारण ये महासागरीय प्लेट जो है, ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। मानेंगे इस बात? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है ना, तो इसका घनत्व ज्यादा होने के कारण महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है, और ऊपर कौन सी प्लेट आ जाती है? महाद्वीपीय प्लेट आ जाती है। ये कहानी मैं आपको हिमालय में एक बार समझा चुका हूँ, अगर आपको याद हो ना, हिमालय के समय हम इस प्रकार की कहानी कर चुके हैं। मान लो ये दो प्लेटें हैं, और इन दोनों प्लेटों में आप अंदाजा पूरा पूरा लगा सकते हैं, इन दोनों में अपने दिमाग से बताओ तो कौन सी महासागरीय होगी? ये की है येलो वाली महासागरीय होगी कि ये वाला महासागरीय क्यों होगा? क्योंकि ये भारी है। वेरी गुड, इसका घनत्व ज्यादा है। देखो कम जगह और दोनों में वेट, देखो इसका वेट हल्का है, इतना बड़ा है ये, दिखने का है बेड़ा बस, ये इतना सा है, लेकिन इसका वेट कम जगह में ज्यादा चीज है, तो इसका घनत्व ज्यादा है। तो अभी अगर इन दोनों को मैं ऊपर फेंकू ना, फेंक नहीं रहा मैं, पर मैंने फेंकू तो पहले नीचे कौन आएगा? पक्का है ना? अगर हवा चलाओ इस कमरे में भयंकर ना, और इस वजह से ऊपर फेंको, इधर पता नहीं कहाँ चले जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ से फेंकूंगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहीं पे गिरेगा। इसको मैं ऊपर फेंकूँ उधर वो हिमांशु पे भी जा सकता है, बाई चांस जा सकता है ना, उधर भी जा सकता है। तो इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व है कम, इसका घनत्व है ज़्यादा। तो ये है महासागरीय प्लेट और एक है महाद्वीपीय प्लेट। ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे को टकराएंगी, तो जब टकराएंगी तो देखो ये महासागरीय प्लेट है, ये पहले ही नीचे होती है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है, तो ये महासागरीय प्लेट ना नीचे चली जाती है और महाद्वीपीय प्लेट इसके ऊपर आ जाती है। तो ये हम हिमालय में देख चुके हैं ना पहले, क्या होता है महाद्वीपीय प्लेट जो है महासागरीय प्लेट के ऊपर चली जाती है, और इससे कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है। ऑब्वियस सा बात है, किन किन चीज़ों का निर्माण होता है? जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को टकराती है, तो मैंने कहा था जहाँ पर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को मिलती है वहाँ पर क्या बनते हैं? पर्वत बनते हैं। लेकिन दोनों प्लेटों का तल अलग अलग है, एक नीचे एक ऊपर,
फिजिक्स आपने कभी स्कूल में पढ़ाई करी होगी तो फिजिक्स में कहते हैं कि मैंने इस पे बल लगाया, बोले न्यूटन बोला इतना लगा रहा, बोले मेरे पे भी नहीं बोलता ये इस पे वाला, जितने बल हम लगाते हैं उतना ही बल ये भी हम पर लगाते हैं। बल माने तुम में से कोई लड़का खड़ा हो जाए और वो मेरे को धक्का मारे एक साइड से, मैं उसको धक्का मारूं, तो जिसका धक्का बल ज़्यादा होता वो जीत जाता ना, अपना आप ही तो हुआ ना। तो कहते बराबर होता है, तो बोलते हैं चलो ठीक है। इसमें एक चीज़ नहीं आई मेरे को समझ में कि जब मैं थप्पड़ मारता किसी के, मैंने अगर किसी के थप्पड़ मारा तो जितना बल मैंने लगाया, अब नियम तो ये कहता उतना उसने भी लगाया, पर पीड़ा उसी को होगी, होती ना पीड़ा उसको। या फिर मैं इस पे थप्पड़ मारता खींच के इस पे, तो नियम तो ये कि जितना मैंने मारा उतना इसने मारा मेरे पे, इसको नहीं होगा दर्द, दर्द मेरे ही हाथ में होगा। तो आपने वहां पर क्रिया रेखा, एक वर्ड सुनते एक्शन लाइन, बलों की क्रिया रेखा। अगर इस दिशा से एक बल लग रहा है और इस दिशा से एक बल लग रहा है तो वस्तु साम्यावस्था में तभी होगी अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा समान होगी। एक जगह पर पॉइंट, एक पॉइंट पर बल लग रहा हो तब रुकेगी वस्तु। ऐसा नहीं कि ये बल यहाँ और ये बल अगो रुक जाए, कैसे रुके तब, ये यहाँ लगा रहा ये यहाँ लगा रहा, भाई दोनों की क्रिया रेखा अलग है ना। तो जब क्रिया रेखाएं अलग होती तो वस्तु साम्यावस्था में नहीं आती। यहाँ पर देखो, अगर आप दोनों प्लेटों को ध्यान से देखोगे तो महासागरीय प्लेट की क्रिया रेखा यहाँ है, इस पर एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ लग रहा है, और महाद्वीपीय प्लेट की क्रिया रेखा यहाँ है। तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे को ऐसा प्रेशर कर रही है लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग है, तो जो पर्वत बनेगा वो पर्वत एकदम, देखो जैसा मैं यहाँ हूँ ना, और मेरे कपाल पे यहाँ से भी बल लगाओ यहाँ से भी बल लगाओ, ये सब बढ़िया बनेगा मेरा कपाल ऐसा वाला ना, अगर बराबर पे बल लगे ना। अगर क्रिया रेखाएं समान हो ना, जैसे मैंने क्या किया ऐसा करके आटा रख दिया, गूंथा हुआ आटा है ये, इसमें मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ और यहाँ से फोर्स लगाऊँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये गूंथा हुआ आटा ना ऐसा बन जाएगा। अगर दोनों क्रिया रेखाएं समान हो तो एकदम सीधा ऊपर चल जाएगा ना, बराबर ऊपर चले जाएगा अगर फोर्स बराबर लगे। लेकिन अगर इसी गुथे हुए आटे पर एक फोर्स में यहाँ लगा दूँ और एक फोर्स में यहाँ लगा दूँ, तो अब क्योंकि बराबर की फोर्स नहीं है तो ये आटा अब ऐसा नहीं बनेगा जैसा पहले बन रहा था। अब क्योंकि फोर्स यहाँ लगा है तो यहाँ से ही ऊपर उठ जाएगा, यहाँ थोड़ी लगा फोर्स और फिर यहाँ से ही ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा ही होगा, यदि बलों की क्रिया रेखा असमान हो तो फिर आकृति भी असमान ही बनती है। तो यहाँ पर क्योंकि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों की क्रिया रेखा अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर जो पर्वत बनते हैं ना वैसे बनते हैं, टेढ़ा मेढ़ा पोटपटांग सा पर्वत बनता है। क्या कहते हैं इन पर्वतों को, इनको कहते हैं वलित पर्वत। इनको क्या कहेंगे, वलित पर्वत। जब कभी भी आप पूरे अभी मैप में देखोगे महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही होगी तो पक्की बात है वहाँ पर पर्वत बनेगा। आपको रॉकीज और एंडीज जैसे पहाड़ दिखाई देते नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, तो देखो जरा एक बार, मान लो ये पृथ्वी है तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये क्या है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर क्या है प्रशांत महासागर। तो जब यहाँ पर प्रशांत महासागर है तो इसका मतलब ये कौन सी प्लेट हो गई, महासागरीय, और ये प्लेट कौन सी है महाद्वीपीय। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई होंगी तभी तो यहाँ पर पर्वत बना ना, तो यहाँ इधर साइड हमने पर्वत बना दिए। तो दो प्लेटें जब उनमें से एक महासागरीय हो एक महाद्वीपीय हो आपस में एक दूसरे को टकराती है तो किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वत किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो अभिसारी गति में पहली कंडीशन बनाओ, एक तरफ से महाद्वीपीय प्लेट दूसरी तरफ से महासागरीय प्लेट, दोनों प्लेटें जब एक दूसरे को टकराएंगी तो निर्माण करो वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ऐसी कंडीशन में वलित पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट को टकराएगी तो ऐसी कंडीशन में किसका निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। वलित पर्वतों का निर्माण तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के आपस में टकराने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का वलित पर्वत कुछ इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी कहानी पर चलो, किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत। अब मुझे ये बताओ कि इस पूरी क्रिया में किसी प्लेट का कुछ नुकसान हुआ, किसी प्लेट का कोई नुकसान हुआ, महासागरीय प्लेट का नुकसान हुआ, इसका इतना टुकड़ा जो है ना वो अंदर धंस गया, और जब ये अंदर धंस गया तो पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है, और पृथ्वी के अंदर जब तापमान बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये टुकड़ा, इस महासागरीय प्लेट का ये जो टुकड़ा था, ये टुकड़ा जो अंदर धंस गया तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये पूरा का पूरा टुकड़ा जो है ना, ये हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, पानी तो नहीं बनेगा, खैर ना पानी तो अति बोला है भाई पर, लेकिन
ये गलने लग जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना। एक पॉइंट होता है वेनी पॉइंट, है ना, तो वेनी पॉइंट पर जाकर के जो है सारी की सारी चीज़ें पूरी तरीके से मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्रिया में जब एक महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट से मिल रही है, तो इस कंडीशन में महासागरीय प्लेट का एक टुकड़ा अंदर जा रहा है, तो अंदर जा करके वो क्या करेगा, लावा का निर्माण करेगा। और जब ये लावा का निर्माण करेगा तो इस लावा से या फिर इस मैग्मा से यहाँ पर एक एनर्जी जनरेट होगी, पठार वाला लेक्चर याद करो। तो ये मैग्मा क्या करेगा, अब इस महाद्वीपीय प्लेट को हीट करेगा, इस महाद्वीपीय प्लेट को हीट करेगा। और अगर ये महाद्वीपीय प्लेट स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर महाद्वीपीय प्लेट स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये मैग्मा इस महाद्वीपीय प्लेट को तोड़ करके कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस मैग्मा के इस महाद्वीपीय प्लेट से बाहर निकलने की क्रिया में जो लावा बाहर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो पूरा आंसर क्या हुआ, जब एक महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती है तो उसकी वजह से कैसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखीय वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय जैसी कहानी नहीं है, हिमालय की कहानी है क्या ये, बिल्कुल भी नहीं। हिमालय में तो एक महाद्वीपीय तो दूसरी भी महाद्वीपीय, एक का नाम यूरेशियन था तो दूसरे का नाम इंडियन था, समझ रहे, वो तो दो महाद्वीपीय प्लेटों की कहानी है। ये कहानी यहाँ की हो ही नहीं रही है, ये कहानी वहाँ की है जहाँ एक महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट से टकराए, जैसे जापान और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो पूरा का पूरा आपका रिंग फायर जोन बना हुआ है ना, वहाँ पर एक महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट से जब टकराएगी तो किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखीय वलित पर्वतों का निर्माण होगा। पठारों का निर्माण हो सकता है क्या, पठार वाले लेक्चर में किए थे, अगर ये महाद्वीपीय प्लेट स्ट्रांग हुई तो थोड़ी टूटेगी, बस अपने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, तो किसका भी निर्माण हो सकता है, पठार का भी निर्माण हो सकता है। दो प्लेटें अगर उनमें से एक महाद्वीपीय है एक महासागरीय है, एक दूसरे को आकर के टकराती है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के आपस में टकराने के कारण किसका निर्माण हो सकता है, ज्वालामुखी का निर्माण हो सकता है। एक बात, ज्वालामुखी फट सकता है, तो ज्वालामुखी फटने से कल के दिन वो पर्वत का रूप धारण करेगा, तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो सकता है। जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं वहाँ पर एक ज्वालामुखी या वलित पर्वत का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा किसका भी निर्माण हो सकता है, पठार का भी निर्माण हो सकता है। इस पूरी क्रिया में नुकसान हुआ है प्लेटों का या नहीं हुआ है, क्या इस पूरी क्रिया में प्लेटों का नुकसान हुआ है, जी, एक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा मैग्मा में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है, यानी जब प्लेटों की अभिसारी गति होती है, जब प्लेटों का कन्वर्जेंट मोशन होता है, तो इसे विनाशात्मक क्रिया माना जाता है, विनाशात्मक क्रिया। और प्लेट का वो सिरा जो टूट जाता है, देखो जो सिरा टूट जाता है उसे प्लेट का विनाशी सिरा कहते हैं। तो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आती है तो ये किस प्रकार की क्रिया हो गया, विनाशात्मक क्रिया। विनाशात्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा, तो प्लेटों की अभिसारी गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी तो इस कंडीशन में प्लेटें खराब हो जाएंगी, विनाश मतलब टूट जाएंगी। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो कोई प्लेट टूटेगी क्या, नहीं, तो उसको बोलते हैं रचनात्मक क्रिया। रचनात्मक मतलब, यहां मैं पहले ऊपर प्रश्न लिख देता हूं जो पेपर के प्रश्न होंगे आप। चलो, दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आई, यानी जब प्लेटें अभिसारी गति करती है, तो अभिसारी गति करती हुई प्लेटों की जो गति होती है उसमें, क्योंकि प्लेटों का एक टुकड़ा टूटेगा ना, पक्की बात है। जब दो आपस में जुड़ रहे हैं, कोई सी भी जुड़े, महासागर महाद्वीप जुड़े, महाद्वीप महाद्वीप जुड़े, महासागर महासागर जुड़े, तो एक को तो नीचे घुसना ही है। जब एक नीचे घुसेगा तो उसमें मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लेटें इसमें क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगर इस दुनिया की सारी प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चलने लग जाए तो कभी ना कभी तो वो समाप्त हो जाएंगी ना। आज इतना टुकड़ा टूटा, कल कोई फिर एक पूरी प्लेट बन गई, कल कोई किसी और से टकराए तो टूटा टूटा टूटा, खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया ऐसे में ना, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिर वो पूरी पृथ्वी पर मैग्मा मैग्मा बन जाएगा। तो ये जो क्रिया है प्लेटों की अभिसारी गति जो है वो किस प्रकार की क्रिया होती है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, पहली दूसरी ऐसे जुड़ी हुई थी और दूर जा रही है, तो कौन सी टूटेगी, कौन सी टूटेगी, ये वाली कि ये वाली, कोई भी नहीं टूटेगी। दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, दो प्लेटें, कोई सी भी हो सकती है, महासागर महासागर महाद्वीप महाद्वीप, कोई सी भी प्लेट हो सकती है। जब ये प्लेटें पहले ऐसी थी तो इसके नीचे क्या था, यानी क्या था, कुछ तो था ना, मैग्मा हो सकता है, दुर्बलता मंडल का आपका प्लास्टिक जोन हो सकता है, कुछ तो है इसके अंदर। और ये ऊपर नहीं आ रहा अभी, इसके ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर प्लेटें हैं, और जन ये होगा तो ऊपर आएगा, अंदर जो चीज़ होगा ना, ये दो प्लेटें हैं इसके अंदर कुछ है, तो ये ऊपर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर प्लेट है और ये अपनी अपनी चली गई, तो घप्पू आएगा बाहर,
आएगा ना, तो कुछ और चीज बन जाएगा, कुछ तो बनेगा, जो भी बनेगा, पर्वत बने, पठार बने, द्वीप बने, कुछ भी बने, पर बनेगा ना। जब तक आप इस कमरे में मान लेते हैं गैस है, पूरा तरीके से गैस भर रखा है, चैम्बर है ये गैस का, और चैम्बर है गैस का, और इस छत को काटो, दो हिस्सों में बांट दो, तो ये गैस बाहर निकलेगी ना, किसी भी शेप में निकले, पर्वत बने, पठार बने, द्वीप बने, कुछ भी बने, लेकिन बाहर जाके कुछ तो बनेगा ना। तो इस वाली कंडीशन में जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो प्लेटें टूटती तो नहीं है, पर कुछ और भी बन जाता है। प्लेट कितनी है? दो। तो दो प्लेटें दूर चली गई, अब प्लेट कितनी है? दो, लेकिन बीच में कुछ और भी बन गया। तो ये कैसी क्रिया होती है? इसको बोलते हैं रचनात्मक क्रिया, रचनात्मक क्रिया। प्लेटों की अपसारी गति जो है, डाइवर्जेंट मोशन जो है, वो रचनात्मक क्रिया का उदाहरण है। जितनी चीजें होती है उससे कुछ और चीजें बन जाती है। जैसे देखो, रचनात्मक क्रिया में एक प्लेट है, दो प्लेट है, एक दूसरे से दूर गई, पहले ये दो ही प्लेट थी, जब एक दूसरे से दूर गई तो दूर जाने से मान लो यहां पर एक पर्वत बन गया, तो क्या हुआ? एक नई चीज बन गई, रचना हो गई किसी और चीज की, तो दो की जगह ढाई बन गई। तो ये किस प्रकार की क्रिया होती है? रचनात्मक। ये किस प्रकार की क्रिया होती है? विनाशात्मक। और तीसरी कंडीशन है समांतर गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है ऐसे करके, ये चल रही है, तो इससे क्या होगा? प्लेटें टूटेंगी नहीं, ऐसे मत बोला घिसेंगी, घिसने दो, फन घिसने दो उसको, ऐसा दो चल रही है तो इससे प्लेटों का नुकसान है नहीं, कुछ और चीज बनेगी नहीं, क्या बनेगा इसमें? चलते रहे ऐसे लगा हुआ है ना, सिर्फ भूकंप आता बस और कुछ नहीं होता है। तो ये दो प्लेटें जब ऐसे समांतर गति करते हैं तो इसको बोलते हैं संरक्षी क्रिया। संरक्षी, संरक्षी मतलब ना कोई टूटे ना कोई बने, तो इसको बोलते हैं संरक्षी क्रिया। ठीक है, प्लेटें आपस में गति करती है। गति करने के तीन तरीके हैं। जब प्लेटें आपस में गति करते हैं तब इसके तीन तरीके होते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। अभिसारी गति करती हुई दो प्लेटें जब एक दूसरे को टकराती है, अगर प्लेटें महासागरीय और महाद्वीपीय है तो ऐसी कंडीशन में ज्वालामुखी या वलित पर्वतों का निर्माण होता है, साथ ही किसका भी निर्माण हो सकता है? पठारों का भी निर्माण हो सकता है, जनरली हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा ये कितना मजबूत है। ठीक है, और जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती है तो क्योंकि उस समय प्लेटों का एक सिरा टूट जाता है तो ये एक प्रकार की विनाशात्मक क्रिया है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो प्लेटें तो नहीं टूटती है, लेकिन एक नई कोई चीज बन जाती है, कोई नई आकृति बन जाती है उच्चावच में, तो ये हो गई रचनात्मक क्रिया। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे समांतर गति कर रही होती है तो ना कुछ बनता है ना कुछ टूटता है, तो कैसी क्रिया हो गई? संरक्षी गति। ठीक है, यहां से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए, संरक्षी गति का उदाहरण समांतर गति, रचनात्मक क्रिया का उदाहरण अपसारी गति, और विनाशात्मक क्रिया का उदाहरण अभिसारी। ठीक है, बेसिक सी बात। अब इस थ्योरी पर वापस आ जाओ। जब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें जुड़ रही थी तो ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है और पठारों का निर्माण हो सकता है। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो और एक दूसरे की तरफ गति कर रही हो, ऐसा हो सकता है? दोनों प्लेटें जब महाद्वीपीय हो और एक दूसरे की तरफ गति कर सकती हो, कर रही हो, तो ये आप हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, कोबर भूसन्यति सिद्धांत याद है आपको, हिमालय के अंदर ऐसा ही तो हुआ। एक इंडियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी, दोनों महाद्वीपीय प्लेट थी। जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है तो जरा ध्यान रखें, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के एक दूसरे की तरफ आते समय इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की क्रिया रेखा लगभग समान होती है। जरूरी नहीं कि हमेशा समान हो, लगभग समान होती है, क्योंकि एक समान होगी तो फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर दोनों फोर्स एक लाइन पर लगा रहे होंगे तो ऐसा हो, तब पर्वत भी नहीं बनेगा, बट टक ऐसा रुक गया तब तो रुक जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर होता है, एक ऊपर एक नीचे, जो थोड़ा सा ऊपर होती, जैसे यूरेशियन प्लेट थोड़ा सा ऊपर थी तो ऊपर चढ़ गई। तो ये दो प्लेटें जब एक दूसरे को टकराती है तो इन दो प्लेटों के आपस में टकराने से पर्वत का निर्माण होता है, और ये ज्वालामुखी या वलित पर्वत नहीं होता, सिर्फ वलित पर्वत होता है, सिर्फ वलित पर्वत। तो मैंने कहा वलित पर्वत तो यहां भी बनते हैं, लेकिन ऊपर वाले वलित पर्वत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर प्लेटों का नुकसान हो जाता है। थोड़ा नुकसान तो यहां पर भी होगा, ऑब्वियस है, जो प्लेट का हिस्सा नीचे घुसेगा वो थोड़ा सा तो खराब होगा ना, तो यहां पर निर्माण किसका होगा? वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। जब दो प्लेटें दोनों की दोनों महासागरीय हो, ये भी महासागरीय प्लेट, देखो ये भी आपके पास महासागरीय प्लेट हो, ये भी आपके पास महासागरीय प्लेट हो, तो दोनों महासागरीय प्लेटें अति घनत्व हाई डेंसिटी वाली दोनों प्लेटें हैं और लगभग दोनों की क्रिया रेखा एक जैसी होगी, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा अंदर जाएगी। और क्योंकि दोनों प्लेटें कैसी है? महासागरीय, तो इनके ऊपर क्या होगा? पानी, इनके ऊपर ऑलरेडी पानी होगा ना। महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर पानी तो नहीं होता है, लेकिन महासागरीय प्लेट के ऊपर तो पानी होगा। तो ये वाली महासागरीय प्लेट आ रही है तो इसके ऊपर पानी है,
फिर ये वाली महासागरीय प्लेट आ रही है, इसके ऊपर पानी है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो एक सिरा नीचे एक सिरा ऊपर, और यहाँ पर एक पर्वत टापू कुछ भी बन जाएगा। तो अब महासागर में जो पर्वत या टापू बने होते क्या कहते हैं उनको? उनको द्वीप कहते हैं, द्वीप। तो यानी दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे को टकराएंगी तो द्वीप भी तो एक प्रकार का पर्वत ही है ना। अगर आप द्वीप से फाल खा दो बगल में, जहाँ पर द्वीप बना हुआ है उसके बगल में कूदो नीचे, तो द्वीप के बगल में चलोगे तो द्वीप तो पानी से बाहर निकला हुआ है लेकिन तल तो बहुत नीचे है, तो वो भी तो एक प्रकार का पठार या पर्वत ही है, कुछ तो है ना। वो महासागर के अंदर से आया हुआ है बाहर। तो जब दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे को टकराएंगी तो निर्माण होगा द्वीप का, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे को टकराएंगी तो निर्माण होगा वलित पर्वतों का, और जब दो एक महासागरीय एक महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे को टकराएंगी तो निर्माण होगा ज्वालामुखी वलित पर्वत अथवा पठारों का, ज्वालामुखी वलित पर्वत अथवा पठारों का निर्माण होता है। तो प्लेटें जब गति करती है तो गति करने के कारण उनकी जो पहले प्रकार की गति हो गई उसको अभिसारी गति कहा, अब इनकी जो दूसरे प्रकार की गति है उसको क्या कहते हैं? अपसारी। तो दूसरा टॉपिक डालो, प्लेटों की डाइवर्जेंट मोशन, अपसारी गति, प्लेटों के द्वारा की जाने वाली अपसारी गति। ठीक है, प्लेटों के द्वारा की जाने वाली अपसारी गति, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, अपसारी गति के बाद, अभिसारी गति के बाद डाइवर्जेंट मोशन, जब दो प्लेटें हैं और दोनों की दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, ठीक है, कोई सी भी हो, महासागर महासागर हो, महासागर महाद्वीप हो, महाद्वीप महासागर हो, एक ही थ्योरी सब में काम करेगा। ये मान लो देखो एक प्लेट है, पहली प्लेट, इस प्लेट का नाम मान लेते हैं ए, और इसके ठीक बगल में देखो ये एक दूसरी प्लेट है, इस प्लेट का नाम मान लेते हैं बी। प्लेटें किसके ऊपर तैरती है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल का मतलब प्लास्टिक स्टेट, गुथा हुआ आटा, आटा गुथा हुआ है, वो इसके नीचे है। तो मान लेते हैं ये है गुथा हुआ आटा जो इसके नीचे है, इसके नीचे भी रहेगा ना, ये है गुथा हुआ आटा। तो अभी तक ये आटा जो है ना किसी चीज़ के ऊपर है, तो किसी चीज़ के नीचे है। अब ये दोनों की दोनों प्लेटें जो है गति कर रही है, गति कैसी हो रही है? अपसारी। अपसारी का मतलब ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, आटा भी आएगा इधर, आटा नहीं, आटे की वजह से ही जा रही है, लेकिन जब ये दोनों प्लेटें गति करेंगी लेफ्ट राइट इधर से उधर को चलेंगी, तो पहले ये प्लेटें जिस स्थान पर थी उसकी जगह पर ये प्लेटें अब इस स्थान पर आ गई। मान लेते एग्जांपल, पहले यहाँ पर थी ना, अब ये इधर खिसक गई, ये इधर खिसक गई, ये आटा क्यों नहीं खिसका? ये तो आटा ही है यहाँ सब, आटा ही तो है पूरी जगह, तो आटा कहाँ खिसकेगा? ऐसा नहीं कि आटा हट जाता, क्या रहेगा यहाँ पर? तो दुर्बलता मंडल तो खाली हो जाएगा, यहाँ सब जगह आटा ही है। तो ये प्लेट इधर खिसकी, ये प्लेट इधर खिसक गई, तो अब ये जो नीचे का आटा है ना, इस आटे को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया। दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाए तो एक दूसरे से दूर जाने पर ये पहले जुड़ी भी रही होंगी ना ऐसे, तो इसके नीचे आटा था, जब ये दूर हो गई तो नीचे के आटे को ऊपर आने का एक मौका मिल गया। इसलिए जब कभी भी अपसारी गतियाँ होती है तो प्लेटों को तो कोई नुकसान नहीं होता है, इसके स्थान पर कुछ नई चीज़ों का निर्माण हो जाता है, कुछ भी बन सकता है इनसे। ये जब बाहर आएंगी तो इससे कुछ भी बन सकता है, द्वीप बन सकता है अगर दोनों महासागरीय प्लेट है, अगर दोनों महाद्वीपीय प्लेट है तो पठारों का निर्माण हो सकता है, अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है तो एक नए धरातल का निर्माण हो सकता है, किसी भी चीज़ का निर्माण हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाती है। इसलिए इस क्रिया को क्या कहा? रचनात्मक क्रिया। तो क्या पॉइंट लिखोगे? प्लेटों की अपसारी गति के फलस्वरूप, प्लेटों की अपसारी गति के फलस्वरूप, प्लेटों की अपसारी गति के फलस्वरूप किस किस चीज़ का निर्माण हो सकता है? देखो क्या क्या चीज़ों का निर्माण हो सकता है। पहले ये एक साथ थी वाला, पहले ये प्लेटें एक साथ थी, तो एक साथ होने के बाद ऐसा नहीं होता, ऐसा कम ही होता है कि प्लेटें जो है एकदम से ऐसे भाग जाए। तो पहले ये प्लेट थी, और जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लग जाती है ना, तो सबसे पहले प्लेटों के एक दूसरे से दूर, जब तक दो लोगों को चिपका के रखो, मेरे से एक आदमी को चिपका दो, अब वो उधर जा रहा, मैं इधर जा रहा, कई साल से लगे हुए इधर 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 इधर, तो ऐसा नहीं होगा कभी कि एक सेकंड में ठ्या उधर उतड़ गया, वो इधर उतड़ गया, ऐसा थोड़ी होगा ना। मतलब हम दोनों चिपके हुए, मेरा हाथ किसी से चिपका हुआ है, बचपन से ही चिपका हुआ है, और बचपन से वो लगा तू उधर लगा रहा है, मैं इधर लगा रहा हूँ, तो लगा रहे। अब एक दिन हमें कैसे पता चलेगा कि होने वाले हम अलग? पता कैसे चलेगा? वो खींच रहा है उधर से और इधर से खींच रहा, चलो उसको भी छोड़ो, मेरे एक हाथ यहाँ से खींचो, एक हाथ यहाँ से खींचो, तो दोनों खींचे। ऐसा नहीं होगा ना कि एक कोई अचानक से ऐसा सेकंड आ गया कि सीधा ये बाबा ये आया ना हाथ, ऐसा थोड़ी होगा ना, कड़वच कड़वच भी होगा ना, कुछ होगा नहीं होगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो तुम मेरा हाथ खींच रहे हो, तो हाथ खींचते टाइम थोड़ा अंदाजा लग जाएगा ना। पेड़ से लकड़ी खींचते हो, अगर कच्ची लकड़ी जब पेड़ से खींचते हो
तो खींचते टाइम लग जाता है अंदाजा कि हाँ अब टूटने वाली है। कैसे? तो उसमें एक हल्का सा क्रैक पड़ेगा, दरार। सबसे पहले दरार पड़नी जरूरी है ना। जब तक मेरे हाथ में दरार नहीं पड़ेगी तब तक लगे रहे, और जैसे ही पड़ गए अब आएगा थोड़ा ताकत, अरे अब निकल रहा है यहाँ से ना, तो आदमी जोर से खींचेगा। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में क्रैक पड़ जाती है। क्रैक कैसी भी पड़ सकती है, दरार। दरार कभी ऐसी नहीं पड़ती ना, सीधी। टैलेंटेड होगा जो ऐसी दरार लाया, बोला मैं होता कभी ऐसा, एकदम सीधी दरार ऐसे नहीं पड़ती ना। तो दो मान लो ये एक प्लेट है, और जब ये मान लेते दो प्लेटें हैं जुड़ी हुई थी पहले आपस में, तो जब पहली बार टूटी होगी तो दरार कैसे भी पड़ सकती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी पड़ सकती है। तो दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण, अपसारी गति के कारण, सबसे पहले ये जो दरार पड़ती है ना, तो इस दरार के कारण ये आटा इसमें घुस जाता है, ये अंदर का प्लास्टिक मटेरियल इसके अंदर घुस जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको भ्रंश कहते हैं। भ्रंश हम उत्तराखंड में बार बार यूज करते थे ना, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, फॉल्ट कहते हैं इसको, फॉल्ट, फॉल्ट यानी कि भ्रंश, फॉल्ट यानी कि भ्रंश, ठीक है। फॉल्ट इसका मतलब, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, भ्रंश होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो किसका निर्माण होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है या फॉल्ट का निर्माण होता है। अच्छा, अगर दोनों प्लेटें आपकी महासागरीय है तो ये क्रिया महासागर में चल रही होगी, और महासागर में ये प्लेट गई, ये प्लेट गई, तो अंदर का जितना भी मैग्मा था वो महासागर की तलहटी पर आ गया, और पूरे महासागर में ऐसा देखो एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, इधर पूरा महासागर था, ऐसे करके पूरा महासागर था। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो यहाँ से जो आटा निकला वो ऐसा फैल गया पूरे महासागर में, तो महासागर में एक प्रकार का पर्वत बन गया। इसको बोलते हैं महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। तो जब दो प्लेटें अपसारी गति करती है तो या तो महासागरीय कटकों का निर्माण होता है या फिर किसका निर्माण होगा, भ्रंशों का निर्माण होगा। महासागरीय कटकों का निर्माण या फिर भ्रंशों का निर्माण होगा। भ्रंश बनेंगे, फॉल्ट बनेंगे, या फिर आपके महासागरीय कटक बनेंगे। ये प्लेटों की दूसरी गति होती है और इस गति को अभिसारी गति कहते हैं। प्लेटों की तीसरे प्रकार की गति समांतर, समांतर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ये एक प्लेट है ए, ये एक प्लेट है बी। अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो घर्षण होगा ना, फ्रिक्शन होगा, तो इसकी इसका बस एक ही प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी प्लेटें समांतर गति करती है तो इससे क्या आ जाएगा, भूकंप आएगा पृथ्वी पर। मतलब सिर्फ इसकी वजह से भूकंप नहीं आएगा, लेकिन अधिकांशतया जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ ऐसा संरक्षी गति करती है तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, भूकंप। ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, एज इट इज रहता है सब कुछ, और इसकी वजह से किसका निर्माण होता है, भूकंपों का निर्माण होता है। तो एक भैया थे हैरी हैस, इन्होंने कहा पिछला वाला सिद्धांत गलत है। इन्होंने कहा कोई पेंजिया नहीं, कोई पेंजिया नहीं, कोई टकराव नहीं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं भाई। उन्होंने सीधा कह दिया प्लेटें हैं और वो गति कर रही हैं, प्लेटों की गति के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अब आप अगर पूरे पृथ्वी के अंदर की प्लेटों को देखेंगे तो इनके द्वारा बोली गई बातों के अनुसार हर प्लेट की गति के लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए हुए। जैसे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो इनकी कहानी काफ़ी हद तक सत्य भी साबित हुई। ये महाद्वीपीय प्लेट है, इसके नीचे देखो प्रशांत पेटी है, प्रशांत महासागर की महासागरीय प्लेट है, दोनों टकराई होंगी तो यहाँ पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसा ये लोग कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही निकल रहा है। इंडिया के अंदर देखो, ये जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ना, ये पहले इंडियन प्लेट का हिस्सा होता था, और ऊपर से जो है आपका यूरेशियन प्लेट आ गई, तो ये भी महाद्वीपीय प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट, तो बीच में क्या बन गया, हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि कोई वो पेंजिया वाला कोई कहानी नहीं है कि कोई पेंजिया था फिर पेंजिया टूटा फिर कई प्लेटें बनी। इन्होंने कहा पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारी प्लेटें हैं और ये प्लेटें अपने अनुसार जो है गति कर रही है। किसी जमाने में रही होंगी एक स्थान पर, कभी रही होंगी एक स्थान पर, लेकिन ये गति कर रही है। कोई कार्बोनिफेरस युग में कोई टुकड़ा नहीं हुआ किसी का, हर प्लेट अपने अकॉर्डिंग गति कर रही है, और उन प्लेटों की गति के कारण जो है महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो ये दूसरी थ्योरी है जिसको प्लेट विवर्तन की कहते हैं, वो पहली थ्योरी थी जिसको महाद्वीपीय सिद्धांत कहते हैं। कल फिर ये वाला टॉपिक करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज इतना पढ़ो, ठीक, चलो।